हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शशिकांत सर वेलकमिंग यू अगेन टू द वेब क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू सी द सब्जेक्ट अकाउंट्स चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर फॉर 12th कॉमर्स इंग्लिश मीडियम लेक्चर नंबर 30। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट रिगार्डिंग दिस लेक्चर यू कैन कॉन्टेक्ट टू दिस ईमेल ID thepioneergt@gmail.com। ओके, आई एम रिपीटिंग द ईमेल ID thepioneergt@gmail.com। ये ईमेल ID आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ओके, चलते हैं। सो इलस्ट्रेशन नंबर 18, आई एम रीडिंग द इलस्ट्रेशन। पटेल एंड शाह आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31st 3 16 वॉज एज अंडर। ये बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट में क्या क्या दिया है? तो कैपिटल दिया हुआ है, लोन है, क्रेडिटर है, बिल्स पेएबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, पैटेंट्स दिए हैं, लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, मोटर कार है, स्टॉक है, डेटर्स है। डेटर्स में से BDR माइनस किया हुआ है 1000 और 20000 आउट बैलेंस लिखा हुआ है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन दी है। हमने करना क्या है, पहले हमको सारे एडजस्टमेंट रीड करके उस पर टिक मार्क करने हैं। हालांकि मेरे यहाँ पर टिक मार्क परमानेंट रहेंगे नहीं, बट आई विल ट्राई कि वो रह जाए। ओके, सो आपको पहले क्या करना है, आपको टिक मार्क्स करने हैं। ओके, तो देखते हैं। पहला एडजस्टमेंट है लैंड बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाई 20% पहले हेडलाइन रीड कर लें इसकी। दे एडमिटेड रावल एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर ऑन 1/4/16। रावल बॉट 2 lakh एज अ कैपिटल। द पार्टनर डिसाइड टू रिवैल्यू असेट एंड लाइबिलिटीज एज फॉलो। रावल कितना लेकर के आ रहा है? 2 lakh रुपीज़ कैपिटल लेकर के आ रहा है। तो इसमें करना क्या है, पहले सारे एडजस्टमेंट रीड कर लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाई 20%, मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाई 10%। सो लैंड एंड बिल्डिंग 20% और मशीनरी डेप्रिशिएटेड बाई 10%। तो चलते हैं और इस पर करेंगे हम टिक मार्क। ओके, सो हम यहाँ करने वाले हैं टिक मार्क। ये लैंड एंड बिल्डिंग पे टिक मार्क किया और ये मशीनरीज पे टिक मार्क किया। ओके, टिक मार्क करने के बाद हम आगे चलते हैं। फर्नीचर इज वैल्यूड एट ₹60,000, तो फर्नीचर पे भी टिक मार्क करना है। फर्नीचर इज वैल्यूड एट ₹60,000। ओके, तो देखो फर्नीचर इज वैल्यूड एट ₹60,000। जस्ट अ सेकेंड, इसका यार फर्नीचर इज वैल्यूड एट ₹60,000, फर्नीचर पे भी टिक मार्क हो गया। अब आगे चलते हैं। जस्ट अ सेकेंड, इरेज। ओके, सो फर्नीचर के बाद है मोटर कार इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाई 20%, तो मोटर कार को 20% डेप्रिशिएट करना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी कैप्ट 5000, सो मोटर कार और डेटर, क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो है वो डेटर्स पे रखे जाते हैं। सो मोटर कार एंड डेटर्स, ये मोटर कार एंड डेटर्स। ओके, तो यहाँ पे इतने टिक मार्क हो गए। अब चलते हैं आगे। पैटेंट आर वैल्यूलेस, पैटेंट की कोई कीमत नहीं है, पैटेंट की वैल्यू जीरो हो गई, तो पैटेंट पे टिक मार्क करना है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन इज ₹6,000। चलो वापस, पैटेंट्स आर वैल्यूलेस, ये लोन पे टिक मार्क है। हालांकि लोन पे टिक मार्क करने की जरूरत नहीं होती, उसकी इफेक्ट अलग से ही देनी होती है। क्लियर? चलते हैं आगे। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन इज ₹6,000, ऑलरेडी डन। क्रेडिटर एंड बिल्स पेएबल आर टू बी पेड 10% लेस, तो क्रेडिटर और बिल्स पेएबल दोनों पे टिक मार्क करना है। अनरिकवर्ड इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूड ₹20,000, पहले क्रेडिटर पे टिक मार्क कर देते हैं। तो क्रेडिटर एंड बिल्स पेएबल बोथ आर पेड 10% लेस, क्रेडिटर एंड बिल्स पेएबल। ओके, देन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूड ₹20,000। अब इन्वेस्टमेंट है, अनरिकॉर्डेड है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगा, मतलब कहीं टिक मार्क नहीं होगा, डायरेक्ट एंट्री होगी। देखते हैं अगर कोई इन्वेस्टमेंट हो तो। नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, टिक मार्क नहीं होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम विच वॉज डेबिटेड टू PNL अकाउंट बाई 30,000, आउट ऑफ दिस 10,000 इज फॉर नेक्स्ट ईयर। सो इस पर भी टिक मार्क नहीं होगा, कहीं टिक मार्क करने के लिए नहीं मिलेगा आपको। ये जो 10,000 है वो नेक्स्ट ईयर के लिए लेके जाना है। तो आज के इस लेक्चर में क्या क्या करना है, वो लास्ट वाली लाइन रीड करोगे तो आइडिया आ जाएगा। हो सकता है आज ये लेक्चर सिंगल लेक्चर में पूरा हो जाए, और अदरवाइज वी मे नीड टू डिवाइड इनटू टू डिफरेंट लेक्चर्स, बिकॉज ये सम बहुत ही लेंदी है।
देखते हैं इस टाइप का सम बोर्ड के एग्जाम में 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। लास्ट क्या लाइन लिखी है, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, तो पहले तो जर्नल एंट्रीज लिखनी है। तो जर्नल एंट्रीज कैसे लिखना है ये ऑलरेडी चैप्टर नंबर 4 में हम देख चुके थे, लेकिन आज फिर से बताऊंगा। प्रिपेयर रिवॉल्यूशन अकाउंट, ठीक है, रिवॉल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन, तो इतनी सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी है। तो मैं आपको सबसे सिंपली, सबसे पहले आपको जर्नल एंट्रीज कैसे लिखते हैं मैं वो सिखा देता हूँ। जर्नल एंट्रीज आप जानते हो, अगर आपको ऐसा लगता है प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आप क्रेडिट करोगे, अगर आपको लगता है कि लॉस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो डेबिट करना है। इज दैट क्लियर? अगर आपको लगता है कि प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, अगर लगता है लॉस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। इज दैट क्लियर? तो वन बाय वन सारे एडजस्टमेंट हम रीड करते हैं और उसकी जर्नल एंट्री देते हैं। लेनिन बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%। तो पहले देखते हैं लेनिन बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है। आप देखो लेनिन बिल्डिंग की वैल्यू है 1,40,000। सो 1,40,000 का आपको करना है 20%, तो कैलकुलेटर भी साथ में चाहिए होगा। 14 × 2 = 28 आई थिंक, या सो 28,000 आपको प्लस करना है किसमें, लेनिन बिल्डिंग में। तो पहले जनरल एंट्री बता रहा हूँ, तो जनरल एंट्री तो सिर्फ 28,000 से होगी, तो जनरल एंट्री पहले कर लेते हैं। चलिए जनरल एंट्री कितनी, 28,000 थी। तो अच्छा, लेनिन बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए या डेबिट होना चाहिए, आप बताइए मुझे। अगर लेनिन बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी है तो हमें प्रॉफिट है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, तो लेनिन बिल्डिंग जो है वो डेबिट हो जाएगा। तो देखिए ज़रा जनरल एंट्री क्या है, लेनिन बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, दिख रहा है ना आपको, लेनिन बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है कि कोई इश्यू है इसमें, लेनिन बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ, जो कि है मशीनरी से रिलेटेड। मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाई 10%। तो देखो मशीनरी एक्चुअली यहाँ पर कितने का दिया हुआ था, तो मशीनरी एक्चुअली वॉज 70,000। हाँ, अब 70,000 में से हमें क्या करना है, 10% माइनस करना है, -10%। तो 10% करोगे तो इसका 7,000 होगा। अब मशीन की वैल्यू 7,000 कम हो रही है, तो लॉस या प्रॉफिट, तो बट ऑब्वियस लॉस है। लॉस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो डेबिट होगा, तो एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। चलते हैं एंट्री की तरफ, चेक करो, यस रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, यू कैन सी योर एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। क्लियर? देन नंबर 3, फर्नीचर इज वैल्यूड एट ₹60,000। फर्नीचर की वैल्यू 60,000 वैल्यू मतलब आकी गई। तो देखते हैं फर्नीचर एक्चुअल कितने दिए हुए हैं, तो फर्नीचर एक्चुअली गिवन टू यू इज 80,000। 80,000 ओल्ड वैल्यूएशन, नई वैल्यूएशन है 60,000, तो आपको लॉस कितने का हो रहा है, सो 20,000 का हमारा लॉस हो गया। अब लॉस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, बट ऑब्वियस है लॉस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो डेबिट होगा। तो यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट करना है डेबिट 20,000 से। ये देखिए थर्ड एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट विथ 20,000। यू कैन सी द अमाउंट 20,000 एंड 20,000। ओके, देन मूव टू द फोर्थ वन, मोटर कार इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाई 20%। मोटर कार जो है वो 20% डेप्रिशिएट करना है, मतलब डेप्रिशिएट का मतलब होता है घटाना, वैल्यू कम करना। सो देखिए मोटर कार, ये हियर द मोटर कार, द वैल्यू ऑफ मोटर कार इज 1,20,000। सो 1,20,000 में से आपको 20% माइनस करना है, सो 20% अगर आप करोगे 12 × 2 = 24,000 इट वुड बी, सो 24,000 वुड बी डिडक्टेड। अब 24,000 वैल्यू घटने वाली है, अब 24,000 वैल्यू घटेगी तो बताओ रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट या क्रेडिट, बट ऑब्वियस नुकसान हो रहा है 24,000 का, हाँ 24,000 इज लॉस फॉर अस, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर कार अकाउंट, दैट वुड बी द जनरल एंट्री। सी, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 24,000 टू मोटर कार अकाउंट 24,000। ओके, देन नेक्स्ट, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट इज टू बी कैप्ट 5,000। हमको BDR, डाउटफुल डेप्ट का मतलब होता है BDR, बैड डेट रिजर्व। बैड डेट रिजर्व कितना रखना है, तो 5,000 रखना है। चेक करो क्या ऑलरेडी वहाँ पर कोई BDR है, सो लेट्स चेक। सो इफ यू चेक देन देर इज ऑलरेडी BDR ऑफ ₹1,000। या हियर यू कैन सी द 1,000 BDR इज ऑलरेडी देयर, सो वी नीड टू कीप 5,000। फ्रॉम दैट 5,000
from that 5,000, 1,000 is already there. So how much we are additionally providing? So 4,000. So 4,000 we are keeping additional BDR. So that BDR is loss for us. So BDR will be means loss will be debited to Revolution account. So the entry would be Revolution account debit to BDR account or doubtful debt account. Okay. So just check it. Entry number 5, it would be. So Revolution account debit 4,000 to bad debt reserve account. Okay. Then let's move to the next adjustment. Next adjustment is patents are valueless. कहने का मतलब क्या है कि पैटेंट की अब वैल्यू नहीं है, पैटेंट की वैल्यू जीरो हो चुकी है. अब देखो पैटेंट हमारे कितने रुपए के हैं. सो पैटेंट हमारे हैं 10,000 रुपीज के. अब ये 10,000 की वैल्यू जो है ना शून्य हो चुकी है, जीरो हो चुका है. ये जीरो हो गया हा? तो हमारा लॉस या प्रॉफिट? बट ऑब्वियस हमारा लॉस है. तो क्या करेंगे हम? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पैटेंट अकाउंट, क्योंकि लॉस हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है. चेक करो एंट्री. सो सी हियर, यू कैन सी द एंट्री. Revolution account debit to patent account 10,000 rupees. Okay, so it's clear with. Then outstanding interest on loan is rupees 6,000. देखो loan लिया था, उसका ब्याज भरना है, उसका interest भरने का बाकी है. कितना? How much? 6,000 is needed to pay. So 6,000 are still to be paid, means हमारा expense या income. हमको 6,000 रुपये भरने हैं, तो but obviously ये हमारा expense है. Expense है तो revaluation account debit होगा और इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट होगा क्रेडिट. क्लियर? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट. चेक कर लो एंट्री. ये रहा रेवल्यूशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट. क्लियर है ये? तो होपफुली इतना क्लियर हो चुका होगा. नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट. हमारा नेक्स्ट एडजस्टमेंट है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल आर पेड 10% लेस. देखो ये क्रेडिटर्स जो हैं और बिल्स पेएबल जो हैं वो हमें 10% लेस पे करना है, मतलब पूरा पे करने की ज़रूरत नहीं है. तो 10% लेस मतलब हमारा फ़ायदा होने वाला है. देखो किसी को पैसा देना है, अब कम देना है, तो जितना कम देना है वो हमारा प्रॉफिट. तो यहाँ क्रेडिटर्स देखते हैं कितने के हैं क्रेडिटर. द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर इज 80,000. 80,000 का 10% करोगे तो इट वुड बी 8,000 एंड बिल्स पेएबल इज 20,000. द 10% ऑफ 20,000 वुड बी 2,000. सो टोटल आपका प्रॉफिट होता है 10,000 रुपीस. सो 10,000 रुपीस आपका प्रॉफिट हो रहा है. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा, है ना? रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट है. चलो एंट्री देखते हैं. ये रही एंट्री. यू कैन सी हियर रिवैल्यूएशन अकाउंट इज क्रेडिटेड विद 10,000. क्रेडिटर अकाउंट डेबिट. सी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 8,000, 2,000 एंड फाइनली 10,000. क्लियर? सो you can see the creditors account debit, bills payable account debit to revaluation account. Hopefully ये चीज़ें भी clear हो चुकी होगी. अब चलते हैं अगले adjustment की तरफ. हमारा अगला adjustment है unrecorded investment is valued rupees 20,000. जो unrecorded investment है वो 20,000 value किए गए. अब ये ऐसा इन्वेस्टमेंट जो बुक में था ही नहीं. मान लो कि आपको पता चलते है कि हमारे पास एक ऐसी भी संपत्ति है जिसकी वैल्यू 20,000 है, तो अचानक से आपको तो फ़ायदा हो गया ना, क्योंकि आज से पहले आपके पास 20,000 का वो असेट नहीं था. अचानक आपको पता चला कि नहीं, हमारे पास में एक ऐसा असेट पड़ा है जिसकी वैल्यू 20,000 है, तो प्रॉफिट है. तो प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा या डेबिट होगा बोलो मुझे. बट ऑब्वियस है प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट. क्लियर? तो इसकी एंट्री देख लेते हैं. अब ये देखिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 20,000 एंड 20,000. सो होपफुली आपको इतना क्लियर हो रहा होगा. अब चलते हैं अगले एडजस्टमेंट की तरफ. हमारा अगला एडजस्टमेंट है इंश्योरेंस प्रीमियम विच वॉज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस बाई 30,000. आउट ऑफ दिस 10,000 इज फॉर नेक्स्ट ईयर. देखो 10,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम ना अगले साल के लिए है, तो अगले साल का खर्चा बचा हमारा 10,000 रुपये, 10,000 रुपीज. तो जब भी कोई प्रीपेड एक्सपेंस हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है, इतना ध्यान रखना.
whenever there are prepaid expense, any kind of prepaid expense, then revaluation account would be credited. So entry, what would be the entry? So entry would be revaluation account will be credited, and what will be debited? So insurance premium or you may say prepaid insurance premium account will be debited. Okay, so let's see the general entry. See this general entry. Just a second, we can. Yeah, this is the general entry I'm talking about. So prepaid insurance premium account debit, prepaid insurance premium account debit 10,000 to revaluation account 10,000. Hopefully it is clear to all of you. Okay, then ye jo loss ki entry hai na, ye wali loss ki entry thodi der ke liye aap avoid karo. क्यों अवॉइड करना है? क्योंकि डायरेक्टली आपको लॉस का पता नहीं चलेगा, उसके लिए रेवोल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा. ठीक है, हाँ, एक एंट्री देने की बाकी रह गई, वो थी हेडलाइन की एंट्री. सो हेडलाइन में ऐसा लिखा हुआ था कि जो रावल है वो 2 लाख रुपीज़ कैपिटल लेके आ रहा है. तो कैपिटल लेकर आ रहा है तो एंट्री क्या होगी? कैश कम्स इन. सो कैश अकाउंट डेबिट टू वॉट? रावल्स कैपिटल अकाउंट, है ना. कैश अकाउंट डेबिट टू रावल्स कैपिटल अकाउंट. एक ही एंट्री चेक कर लो. सो लेट्स चेक दिस एंट्री. कैश अकाउंट, यू कैन सी हियर, कैश अकाउंट डेबिट टू रावल्स कैपिटल अकाउंट. सो होपफुली आपको ये सारी जनरल एंट्री बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है. अभी तक मैंने सिर्फ यही जनरल एंट्री नहीं बताई है, क्योंकि ये जनरल एंट्री मैं डायरेक्ट नहीं बता सकता आपको, कुछ टाइम बाद आपको बताऊंगा. क्योंकि ये जनरल एंट्री के लिए आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा. अगर आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया है और अगर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना आता है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली कैसे एंट्री कर सकते हो? मान लो कि जैसे कि मैंने यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया हुआ है. अब देखिए यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो जो आप क्रेडिट करोगे डेबिट करोगे मैं बोलता जा रहा था, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट का आपको डेबिट और क्रेडिट साइड का दोनों का टोटल करना है. जिस साइड का टोटल ज़्यादा हो वो नीचे लिखना है. तो जैसे यहाँ पर डेबिट का टोटल ज़्यादा है 71,000, यहाँ पे भी 71,000. इस 71,000 में से इतना सब माइनस करोगे, माइनस करने पे ये 3,000 जो है ये आता है लॉस. ये क्या है? लॉस है. लॉस को कहाँ डालना है? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है. तो क्या हुआ? रिवैल्यूएशन अकाउंट हुआ क्रेडिट, तो कैपिटल अकाउंट क्या होगा? डेबिट. तो इसकी एंट्री होगी कैपिटल अकाउंट डेबिट, पटेल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 1800, साहस कैपिटल अकाउंट 1200 टू रेवोल्यूशन अकाउंट. अच्छा, ये 1800 और 1200 कहाँ से आया? तो ये इनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. इनका रेशियो क्या है? तो इनका रेशियो है मोस्ट प्रोबेबली 3:2 है. ओके, आप हेडलाइन में देखोगे ना तो मिलेगा ये. सी, चेक द हेडलाइन. द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2. यू कैन सी 3:2 इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. होपफुली इट्स क्लियर टू यू. ओके, तो सारी जनरल एंट्रीज हो गई. वो जो एक जनरल एंट्री बाकी रह गई थी वो जनरल एंट्री भी मैंने आपको सॉर्ट आउट कर दिया है. इतना आपको समझ में आ गया होगा. क्लियर है? तो ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो रहा है, तो इस लेक्चर को हम दो पार्ट में फिनिश करेंगे. ये है लेक्चर, लेक्चर 30 पार्ट 1, जिसमें सिर्फ जनरल एंट्रीज बताई है मैंने आपको. कल के दिन मैं आपको ये बताऊँगा कि पूरा जो सम है इसका कैसे किया जाता है. ये सम करने के लिए मिनिमम यू नीड टू हैव 30 मिनट. हाँ, 30 मिनट का टाइम जो है आपको मिनिमम लगता है. क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही. सो थैंक यू एंड बाय फॉर नाउ. आपका होमवर्क होगा. होमवर्क आपको इतना ही करना है कि जो इलस्ट्रेशन 19 और 8 है उसकी आपको क्या करनी है? जर्नल एंट्रीज लिखनी है. जर्नल एंट्रीज. अच्छा, जर्नल एंट्रीज लिखने के बाद में 2 पेज के स्पेस रखना. क्यों 2 पेज का स्पेस रखोगे? क्योंकि अभी एक्चुअल सम करना बाकी है, अकाउंट्स ड्रॉ करने बाकी हैं. सो होपफुली इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू, बाय बाय फॉर नाउ. स्टे होम एंड स्टे सेफ.